महुदा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण गोड्डा में पॉकलेन मशीन से हो रही अवैध कोयले की खुदाई। नागेंद्र व सुभाष के इशारों पर पेड़ों को काट खोला गया है दर्जनों अवैध मुहाने। जिला प्रशासन एवं सीआईएसएफ है मॉल। महुदा थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के संरक्षण में दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारते जा रहा है कोयले का अवैध कारोबार। थाना क्षेत्र के हाथोडी, कुल्लाटांड, जमदीहा, कुंजी, मुरलीडी व 7 नंबर नगदा के बाद अब सिंडिकेट का जाल ब्राह्मण गोड़ा में फैल गया है। पॉकलेन मशीन लगाकर बेरुख टोक कर रहे हैं कोयले की अवैध कारोबार। जंगल साफ कर रहे हैं अवैध रूप से कोयले का खनन। सूचना के बाद भी महुदा पुलिस एवं स्थानीय सीआईएसएफ धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सिंडिकेट से जुड़े धनबाद के ओपी नामक व्यक्ति के इशारे पर ब्राह्मण गोड़ा के जिस स्थान में अवैध कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है, वहां सिंडिकेट से जुड़े लोगों द्वारा सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई बेधड़क की जा रही है। सवाल उठता है कि इतने बड़े अवैध कोयला कारोबार के संचालन में अब तक पेड़ों की जो कटाई हुई है उसकी भनक वन विभाग के कर्मियों तक क्यों नहीं पहुंची है। महुदा थाना क्षेत्र के सिंह नामक व्यक्ति के इशारे पर हो रहे हैं अवैध कोयला खनन। रोजाना 4 ट्रकों से निकाले जा रहे हैं अवैध कोयला। सूत्रों की माने तो बाहरी मजदूरों को बुलाकर निकाले जाने वाले अवैध कोयला को लोहा मिट्टी स्थित गुल फैक्ट्री में खपाने का काम किया जा रहा है, जिसकी देखरेख महुदा मोड़ के एक होटल के संचालक द्वारा किया जा रहा है।